सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बातें करेंगे वन प्लस 9T के बारे में। यस गाइस, वन प्लस 9T के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुका है और इसी के साथ ना कुछ ही दिन आगे टेक राइटर के साथ एक ऑफिशियल इंटरव्यू के अंदर वन प्लस के CEO ने कहा था कि अपकमिंग जो भी फ्यूचर स्मार्टफोन होगा वन प्लस की तरफ से, उन सभी स्मार्टफोन में आप लोगों को काफ़ी कुछ जो है चेंजेस मिलेगा। मेनली फोकस किया जाएगा कैमरे के ऊपर, लाइक यहाँ पे बायोनिक सेल्फी शूटर कैमरा एंड 140° पैनोरामिक फील्ड ऑफ व्यू कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च हो सकता है अपकमिंग फ्यूचर स्मार्टफोन फ्रॉम वन प्लस। गाइज, अब ये बायोनिक सेल्फी शूटर कैमरा क्या है, इसमें आप लोगों को क्या कुछ फीचर मिल जाता है, इसका जो फ़ायदा क्या है, सब कुछ आगे हम जो है बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर से कर देना। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो यहाँ पे गाइज, वन प्लस की तरफ से जो नेक्स्ट अपकमिंग स्मार्टफोन लॉन्च होगा ना, वन प्लस 9T एंड वन प्लस नॉट 2, इसमें से नॉट 2 स्मार्टफोन एक जो होगा बजट कैटेगरी का। एंड दोस्तों, 9T जैसे कि आप सभी को पता है एक फ्लैगशिप कैटेगरी का स्मार्टफोन होगा और ऐसे में देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है टेक राइटर के साथ जो इंटरव्यू के अंदर वन प्लस के CEO ने हिंट दिया था बायोनिक सेल्फी शूटर कैमरा का, यही टेक्नोलॉजी जो है वन प्लस 9T के साथ लॉन्च हो सकता है। अब बायोनिक सेल्फी शूटर कैमरा कैसे काम करता है, इसके अंदर फीचर क्या रहेगा, इसके बारे में हम जो है बातें करते हैं। बायोनिक सेल्फी शूटर कैमरा हेल्प करता है फास्टर फोकसिंग, बैटरी इमेज स्टेबिलाइजेशन में, लोअर बैटरी कंजम्पशन में। एंड दोस्तों, इसी के साथ साथ इसका जो फोकल लेंथ है ना 15 सेंटीमीटर का, विच कैन कैप्चर मोर बैकग्राउंड विथ लेस ब्लरी इमेज। दोस्तों यहाँ पे जो बायोनिक सेल्फी शूटर कैमरा है ना, इसका साइज भी छोटा है। सो हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वन प्लस 9T अगर बायोनिक सेल्फी शूटर कैमरा के साथ लॉन्च होता है तो डेफिनेटली एक पंच होल डिस्प्ले डिजाइन देखने को मिलेगा, लेकिन जो कटआउट होगा ना काफ़ी मिनिमम देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ 140° पैनोरामिक फील्ड ऑफ व्यू कैमरा टेक्नोलॉजी, अब ये कैसे काम करेगा दोस्तों, एट ए सेम टाइम दो कैमरा का यूज करके एक सिंगल सुपर वाइड इमेज कैप्चर कर पाएगा। दोनों इमेजेस को एक ही साथ कंबाइन करके एक सुपर वाइड एंगल इमेज में कन्वर्ट कर सकता है 140° पैनोरामिक फील्ड ऑफ व्यू टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे दोस्तों कुछ एक्सपेक्टेड फीचर के बारे में बातें कर लेते हैं कि आखिर वन प्लस 9T के अंदर क्या कुछ मिल सकता है। डिस्प्ले सेम सिमिलर होगा, क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन एमोलेड डिस्प्ले के साथ, फ्लूएड एमोलेड डिस्प्ले, साथ ही साथ 120Hz रिफ्रेश रेट। एंड गाइस, साथ ही साथ यहाँ पे पंच होल कटआउट मिलेगा, लेकिन कटआउट थोड़ा सा छोटा मिलेगा बायोनिक सेल्फी शूटर कैमरे के लिए। IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट, फास्ट वायरलेस चार्जिंग, साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रोसेसर मिल सकता है, कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 888+ चिपसेट के साथ लॉन्च होगा वन प्लस 9T, यानी कि स्नैपड्रैगन 888 का ओवरक्लॉक्ड वर्जन। और यहाँ पे इसी के साथ वन प्लस 9T टेक राइटर के अकॉर्डिंग लॉन्च हो सकता है सितंबर के अंदर ही, 2021 सितंबर के अंदर ही लॉन्च हो सकता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना अपना थॉट, अपना ओपिनियन वन प्लस 9T के बारे में, किस प्राइस में लॉन्च हो सकता है ज़रूर से बताना आपके हिसाब से। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।